वंदे मातरम दोस्तों, आज मैं बात करूंगा द्वादश भाव की। जी हाँ दोस्तों, द्वादश भाव जिसे वेयस भी कहते हैं, ट्वेल्थ हाउस। जी हाँ दोस्तों, ट्वेल्थ हाउस। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं कि ट्वेल्थ हाउस का कारक ग्रह कौन सा है। दोस्तों ट्वेल्थ हाउस का कारक ग्रह सैटर्न है। जी हाँ दोस्तों, ट्वेल्थ हाउस का कारक ग्रह शनि। दोस्तों ट्वेल्थ हाउस से हम खर्च को देखते हैं, बंधन को देखते हैं, रात्रि विश्राम को देखते हैं, नींद को देखते हैं और जीवन में हानि को ट्वेल्थ हाउस से हम देखते हैं। दोस्तों इस भाव से खर्च को देखा जाता है, आर्थिक हानि। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक रूप से जो हमें जीवन में हानि होती है उसका विचार भी हम ट्वेल्थ हाउस व्यय भाव यानी बारहवें भाव से करते हैं। जीवन में मिलने वाली परेशानियां, इसका विचार भी हम ट्वेल्थ हाउस से ही करते हैं। जीवन में चलने वाली लंबी बीमारियां, इसका विचार ट्वेल्थ हाउस से ही किया जाता है। मित्रों जेल यात्रा, अगर किसी की कुंडली में जेल यात्रा का योग है तो इसे हम ट्वेल्थ हाउस को देखकर जान सकते हैं। और किसी व्यक्ति को यदि जीवन में किसी दंड को भोगना होता है तो उस पर भी हम विचार ट्वेल्थ हाउस के द्वारा ही करते हैं। दोस्तों मोक्ष के लिए भी अगर हम किसी की कुंडली में विचार करते हैं तो हम ट्वेल्थ हाउस को ही देखते हैं। हर प्रकार के नुकसान को, हानि को, खर्चे को, इसे हम ट्वेल्थ हाउस के द्वारा देखते हैं। सरकारी सजा, जी हाँ दोस्तों सरकारी सजा, इसे भी ट्वेल्थ हाउस से देखा जाता है। संकट जीवन में जो अचानक आते हैं उन्हें भी हम ट्वेल्थ हाउस से देखते हैं। जीवन में यदि धोखा होना होता है तो इसे भी ट्वेल्थ हाउस से देखा जाता है। जन्म स्थान से दूर रहना, दूर दूर की यात्रा करना, विदेश यात्रा करना, इसे भी हम ट्वेल्थ हाउस से देखते हैं। जीवन में दुर्भाग्य, गरीबी, अस्पताल, जेल खाना, पागल खाना, बदनामी, इसे हम ट्वेल्थ हाउस से ही देखते हैं। किसी व्यक्ति का व्यर्थ इधर उधर घूमना, इसे हम ट्वेल्थ हाउस से देखते हैं। दोस्तों ट्वेल्थ हाउस एक बहुत खास भाव है जिससे हम रात्रि सुख, विश्राम, सैया सुख, जी हाँ दोस्तों सैया सुख, इससे का विचार जब भी हमने करना है, इसे जब भी हमने देखना है तो हमने ट्वेल्थ हाउस को ही देखना है कि इनके जीवन में सैया सुख कैसा है, रात्रि का सुख कैसा है, विश्राम का सुख जीवन में कैसा है, इसके लिए ट्वेल्थ हाउस को बहुत ध्यान से हमने देखना है। रहस्यमयी और अनहोनी घटनाएं और बहुत लंबी चलने वाली बीमारियां ट्वेल्थ हाउस से ही देखी जाती हैं। दोस्तों ट्वेल्थ हाउस जीवन का अंधेरा पक्ष माना जाता है।
जी हाँ दोस्तों, यदि 12th हाउस को हम शुभ तब मानते हैं जब ये मोक्ष देने वाला बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 12th हाउस मोक्ष को देखने के लिए भी हम 12th हाउस को ही देखते हैं। दोस्तों शरीर के अंगों की बात करें तो 12th हाउस से हम बाईं आंख, बायां कान, बाएं पांव का पंजा, उंगलियां और पैर के तलवे को देखते हैं। अच्छा दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।